दोस्तों आप कैसे हैं। मैं हूं गुरमीत सिंह और मेरा जीएस जट व्लॉग है। तो आज हम नेपाल टूर के लिए 2 दिन के लिए आए हैं। तो ये मेरी महिंद्रा जीप है। और कैसे यहाँ डॉक्यूमेंट बनाने चाहिए कैसे नहीं, तो चलिए हम आगे बताते हैं कैसे ये हम लोगों ने कागज़ बनाए। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो है खखरौला भंसार लगती है, तो वहाँ कंप्यूटर खराब नहीं चल रहा था क्योंकि ऑनलाइन नहीं कंप्यूटर की थी, तो ऑनलाइन पेपर निकलते हैं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ सुविधा कटवाई है जो फ्री में कटती है, उसको लेकर राजापुर आए और ये कुछ पेपर बनवाए हैं। चलिए आ गया। जब भी आप नेपाल आएँ तो पहले आपके पास आईडी होनी चाहिए। जो भारत सीमा में SSB है तो वो आपसे आईडी पूछते हैं और एंट्री करते हैं, और एंट्री करवा के आएँ आप, और उसके बाद आप भंसार कटवाएँ। तो हैं राजापुर भंसार कार्यालय, वो सामने दिख रहा है जो बर्दिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आपको यहाँ पेपर चाहिए अपनी गाड़ी की RC और ड्राइविंग लाइसेंस। तो एक दिन की लगभग नेपाली 500 और इंडियन कुछ 300 रुपये की भंसार काटती। भंसार हम लोगों ने 2 दिन की कटवाई है। ये रसीद है, ये देखिए तारीख आज और कल तक वैलिड 8 बजे तक, और ये उसका टैक्स रसीद है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। कहाँ कहाँ जाएंगे काफ़ी लंबा होने वाला है, 2-3 पार्ट में होंगे। तो देखते रहिएगा, हौसला बढ़ाइएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इस समय राजापुर की मार्केट है, रोड चौड़ी होने जा रही है पूरा। देखिए पूरी दुकानें आगे से टूटी हुई हैं। तो ये रही आगे सामने मार्केट, जो कभी आए होंगे तो बता सकते हैं सामने मार्केट है। तो इस टर्न करके हम लोग कैलाली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये रहा सामने राजापुर मेन मार्केट, और मोड़ के हम दोबारा कैलाली की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कैलाली डिस्ट्रिक्ट की तरफ। हमारी टीम में हैं हमारे आलम सिंह जी। हाय आलम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। और पीछे बैठे हैं हमारे करमपाल सिंह जी। हम लोग इस समय बर्दिया से होते हुए अपनी भंसार डॉक्यूमेंट पूरे करके कैलाली की ओर बढ़े हैं। तो हम लोग जाने वाले हैं नेपाल, चीसा पानी वगैरह वगैरह, एक रात रुकेंगे। ये ब्लॉग काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए 2-3 पार्ट करेंगे। तो देखिएगा, हौसला बढ़ाइएगा आप। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको एंजॉय कराते, खुद भी एंजॉय करेंगे हम लोग। तो ये रहा कुछ इस तरह का लोकेशन। तो और ये देखिए जंगल है। तो जीप के हम लोग ने शीशे खोल लिए थे, काफी हवा आ रही, काफी एंजॉयमेंट आ रहा है और आपका ब्लॉग बनेगा। और तो हाथ हिल रहे हैं हम लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये बैंत का जंगल है, देखिए काफी बैंत लगा हुआ है यहाँ पे। और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और चलती हुई गाड़ी में थोड़ा हाथ हिल रहा है। और हम लोग अभी जो कैलाली रिवर और बर्दिया की सीमा को बांटती है करनाली रिवर, और करनाली रिवर का मैं इतिहास बताता हूँ। मानसरोवर का एक राक्षस ताल है, तो वहां से निकलती है। इसमें जब हम लोग पुल पे खड़े होंगे इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं, क्योंकि ये ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी आता है, तो काफी ठंडा है और ठंडी हवा आती है। अभी ये कैलाली का पुल दिखाएंगे, तो थोड़ा हो सके तो नीचे उतर के भी आपको। ये पोस्ट है, तो इन लोगों ने हमसे आते हुए सुविधा पूछी थी, उन्होंने बताई। ये देखिए करनाली सती घाट पुल है ये, और ये रही विशाल करनाली रिवर। और देखिए तेज धारा में बहता हुआ पानी इसका, और ये काफी लंबा होने वाला है पुल। और ये देखिए चारों तरफ देख सकते हैं आप लोग कैसे ये आ रही है। और हम लोग इस ब्लॉग में जहाँ से नदी निकलती है पहाड़ों से चीसा पानी, वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए आगे से मोटरसाइकिलें बाइक आ रही हैं, सबने हेलमेट लगा रखे हैं, कानून का पालन करते हैं ये सभी लोग। तो चलिए, तो कभी भी आप नेपाल आए तो नशा नहीं होना चाहिए, आप नशे का सेवन ना करें। कानून जब भी आए तो आप कानून का पालन करें। हम लोगों ने जीप में सीट बेल्टें लगा रखी हैं, सीट बेल्टें जरूर लगाएं, नहीं तो आपका चलान होने वाला है। हमारे आलम सिंह ने भी सीट बेल्टें हैं, और करमपाल सिंह कुछ इस स्टाइल में बैठे हुए हैं। चलिए यहाँ से गाड़ी खड़ी करते हैं, ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने वाले हैं हम लोग। तो चलिए, यहाँ पे दोस्तों ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, खूब आनंद आ रहा है इस जगह से। ये करनाली नदी पहाड़ों से निकलती है मानसरोवर के राक्षस ताल से, जैसे मैंने आपको बताया था। तो काफ़ी वेग इस समय तेज है, और हम लोग अपनी जीप से हैं।
तो यही जीप है जिससे सफर करने वाले हैं। इसके पूरे हम लोग पास कागज डॉक्यूमेंट पूरे हैं, नेपाल की हमारे नेपाल राज्य का हम लोग पास बीमा भी है और पेपर पूरे हम लोगों ने इसका वर्क किया है, भंसार टैक्स दे के पूरे वैलिड तरीके से जा रहे हैं हम लोग। जैसे जैसे आगे जाएंगे देखिएगा, ये कैलाली और बर्दिया को जोड़ने वाला स्थान है। इसके इस सामने कैमरा जहाँ दिखाई दे रहा है कैलाली है और हमारी बैक साइड में बर्दिया, वो दिखा सकते हैं हम लोग। देखे कैसे बंदा लकड़ी निकाल रहा है, लकड़ी है या नाव है, लकड़ी है जो पहाड़ों से बह के आई, काफ़ी कीमती लकड़ियाँ वगैरह यहाँ लोग बटोर के किनारे पड़ी हुई हैं, बटोर रखते हैं। चलिए और देखिए, देख कितनी तेज, ये सामने भारत दिख रहा है आपको, इधर इस साइड में जहाँ उंगली है मेरी, तो यहाँ पे बहराइच का बहराइच और बर्दिया एक पत्थर पिलर पड़ता है जिसको चौगुर्जी कहते हैं। चौगुर्जी का मतलब एक पत्थर से चार, दो राज्य और चार डिस्ट्रिक्ट, कैलाली बर्दिया दो नेपाल के डिस्ट्रिक्ट, बहराइच और लखीमपुर दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं भारत के जोड़ती है, चार सीमा का को जोड़ने वाला एक ही पत्थर है, उसको चौगुर्जी कहते हैं। वो भारत का एक छोटा टुकड़ा है, छोटा गांव है हमारी ग्राम पंचायत सूरतनगर में चौगुर्जी। तो उसमें हम लोग श्रीलंका भी बोल देते हैं क्योंकि काफ़ी मशक्कत से जाना पड़ा, ज़्यादा लोग इसी नेपाल से होकर जाते हैं, इंडिया वगैरह में जो पुल है नहीं है। और चलिए कभी जाएंगे वहाँ भी आपको दिखाएंगे कैसे वो मुश्किलों भरे दौर में रहते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो रोड है हमारे लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की कोतवाली क्षेत्र कुनिया से होते हुए आता है और ये होलाकी रोड पे हम चौराहे पे खड़े हैं, जो ये धनगढ़ी से आता है रोड और ये हम लोग टीकापुर जाने वाला रास्ता है। और अभी हम लोग राजापुर से आ रहे हैं, तो इस चौराहे में राजापुर होते हुए आप कैलाली के नेपालगंज तक और आगे जा सकते हैं। तो चलिए ये पूरा दिखा रहे हैं आपको। और ये हुआ हमारे पश्चिम में भंसार खखरौला जो भारत से आता है, और ये सामने धनगढ़ी हुलाकी रोड और सामने टीकापुर और ये बर्दिया से आए थे अभी हम लोगों ने जो ब्लॉग बनाया था कैसे से भंसार कटाने। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों। इस समय हमारे मित्र प्रहरी चौकी सती खखरौला भंसार में हैं, तो चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। और भाई साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है, चलिए मिलते हैं फिर किसी दिन, है सब जाता। ओके, तो जो भाई साहब नेचर है यहाँ पे लोगों का और नेपाल पुलिस का बहुत ही अच्छा नेचर है और बहुत ईमानदार लोग होते हैं ये लोग। तो चलिए चलिए बढ़ रहे हैं हम लोग हुलाकी सड़क में से चलते हुए धनगढ़ी की ओर, कहाँ कहाँ जाते हैं सब दिखाया जाएगा। तो चलिए, वीरू जी मित्र हैं वो काफ़ी देर से फ़ोन कर रहे हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो किस रोड से जाएंगे। चलिए ओके, दोस्तों हम लोग इस टाइम जोशीपुर में हैं। ये जोशीपुर की मार्केट और ये सीधा रास्ता है और ये जोशीपुर की मार्केट देख सकते हैं। तो ये देखिए पीछे चौराहा छोड़ के ये जोशीपुर है और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं जोशीपुर के साइड में। ये देखिए मार्केट है, कैलालिम पड़ता है ये जोशीपुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको दिखाते रहेंगे आज के ब्लॉग में। तो ये भी ठीक ठाक शहर, पुराना शहर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, हम इस समय सिमरी में हैं और हमारे ये अशोक चौधरी जी मित्र हैं, इन्होंने हम लोग जा रहे थे पीछे से आवाज़ दे के रोका और काफ़ी दिनों बाद हम मिले। चलिए ये सामने दिखा दीजिए, इनका बाजार है छोटा सा जो काफ़ी प्रगति कर चुका है। तो कैसा लगा देखते रहिए आगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो दोस्तों हम लोग इस टाइम कलाली के निमुआ बोझी गांव में है, तो वीर बहादुर चौधरी जी को हमने ले लिया साथ में, जो हमारे मित्र हैं, साथ में पीछे तारा जी। हेलो तारा जी, कैसे हैं? तो हम लोग सभी अब जा रहे हैं चीसा पानी, तो चलिए इसी के साथ घुमाते हैं आपको आगे। और ये है निमुआ बोझी गाँव, हमारे वीर बहादुर चौधरी जी हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गाँव देखते हुए। इधर देखिए भाई लोग हैं, पानी पी रहे हैं, और ये सामने वीरू जी का गांव है, वीर बहादुर चौधरी जी का। और ये दुकान अभी बियर वगैरह गया था। चलिए ओके, चलिए अब कुछ आगे बढ़ रहे हैं, वीरू जी कुछ सामान लेने जा रहे हैं। तो बढ़िया, तो हाँ जा रहे हैं वो चीसा पानी घूमने जा रहे हैं हम लोग। वीर बहादुर जी गए मासू लेने। अच्छा। है क्या वीरू जी? ये कोसम, कोसम जंगली पेड़ है ना, नेपाली भाषा में कोसम बोलते हैं। कोसम ये हमारे चकरौला जंगल में काफी होते थे। मीठा यार, बेहतरीन। पका है? ठीक है, पका हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी आप लीजिए। आप लीजिए। तो दोस्तों इस टाइम हम लोग बौनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो राजमार्ग का है रजनी से होते हुए हम लोग आए थे, धनगढ़ी से जो काठमांडू की तरफ रोड जाता है, और उससे हम चीसा पानी की तरफ बढ़ रहे हैं। और सामने ये बौनिया है जो नेपाल के राज्य पर मार्ग से ही पड़ता है। तो कैसा आज का ब्लॉग लगा है तो सब लोग लाइक कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलो आज का ब्लॉग इसी के साथ खत्म करते हैं। आज रात को हम लोग क्या क्या करेंगे और चीसा पानी का व्लॉग है आगे जरूर देखिएगा पार्ट 2। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, ओके।